अस्सलाम वालेकुम, आई एम साइंस टीचर फ्रॉम लतीफ़ नाज़िम मेमोरियल हाई स्कूल। वेलकम टू क्लास 4, पार्ट 1, आवर सेल्स, यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। एवरी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सो वी आर स्टडी अबाउट सेल्स। हर जानदार किससे बना है? सेल्स, खलियों से बना है। इसलिए हम आज सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, खलियात के बारे में। जैसे कि अ क्लास इज मेड ऑफ स्टूडेंट्स, अगर एक क्लास है तो वो क्लास जब ही कहलाएगी जब उसके अंदर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, और अ बुक इज मेड ऑफ पेजेस, अगर हम बहुत सारे पेजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो एक बुक बन जाती है। इन द सेम वे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसी तरह हर जानदार सेल से बना है, खलियात से बना है। यू आर मेड अप ऑफ सेल्स, आप लोग सेल से बने, हम सेल से बने, यानी हर लिविंग थिंग। हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए, लिविंग थिंग जानदार, नॉन लिविंग थिंग वो चीज़ें जो जानदार नहीं होती, बेजान चीज़ें नॉन लिविंग थिंग कहलाती हैं। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ दैट सेल्स आर वेरी स्मॉल, आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, जिसे देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बॉडी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स। इंसानी जिस्म के पास बोन सेल्स यानी हड्डियों, हड्डी बोन, हड्डियाँ, सेल्स खलियात, मसल्स पट्ठे, हार्ट सेल्स यानी हमारा दिल, ब्लड सेल्स यानी हमारे खून के अंदर मौजूद जो खलियात पाए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि एक इमारत ईंटों से बनती है, इसलिए एक बॉडी भी सेल से बनती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बहुत लाजमी और ज़रूरी हैं। ये हमारी इंसानी जिस्म का बुनियादी यूनिट है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ सेल्स दैट रिसीव एंड सेंड मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। ये वो सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं मैसेजेस हमारी बॉडी का ब्रेन तक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, टेबल हो, चेयर हो, तो फौरन हमारे सेल्स जो हैं वो मैसेज पहुँचाते हैं ब्रेन को, और हमें वो चीज़ फील होती है। सेकेंड टाइप है रेड ब्लड सेल्स, यानी जो वो सेल्स जो हमारे खून में मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं। अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड, ये वो सेल्स होते हैं जो बनते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो एक फ्लूड होता है जो हमारी बोन्स में मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो प्रोटीन से बनता है। हीमोग्लोबिन हमारा खून को कहा जाता है। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, बोन्स के अंदर भी जानदार सेल्स पाए जाते हैं। थर्ड है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स दैट लाइन्स द सरफेस ऑफ योर बॉडी। हमारी स्किन पे, हमारा स्किन एक ऑर्गन है, स्किन के ऊपर जो सरफेस यानी स्किन की सतह पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। दे आर ग्राउंड ऑन योर स्किन, यानी हमारे स्किन के ग्राउंड यानी स्किन के बाहर। ब्लड वेसल्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में, खून के शरियानों में, यूरिनरी ट्रैक एंड ऑर्गन्स यानी हमारे अज़ा में भी, जैसे कि हमारे अज़ा हार्ट में और दूसरे में डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी हमारे लीवर वगैरह में, जो हमारी आउटर स्किन में जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टिश्यूज़। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे हमारी जिस्म का एक बुनियादी यूनिट है। इसी तरह सारे सेल्स मिलकर जब एक जॉब करते हैं, यानी सारे सेल्स मिलकर एक वर्क करते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उन स्पेशल ग्रुप को या एक जैसे काम करने वाले सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। टिश्यूज़ बाफ्तें, जिसे हम उर्दू में बाफ्ते कहते हैं। टिश्यूज़ कैन बी, यानी टिश्यूज़ जो होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे नर्व्स, नर्वस टिश्यू एसाबी बाफते हैं। ये हमारे नर्व्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में और हमारे एसाब। फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू, इसका क्या फंक्शन होता है? सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये सेंड करते हैं सिग्नल्स हमारे ब्रेन को। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। फंक्शंस ऑफ मसल्स टिश्यू, इनका क्या फंक्शन होता है? ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, यानी ये हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को उनके मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे कि हार्ट वो पंप कर रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है, इसी तरह स्केलेटल के अंदर हमारी बोन्स आती हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, हमारे हैंड, हमारे एल्बो जॉइंट, हिंग जॉइंट, ये सब इसके अंदर मसल्स टिश्यूज कहलाते हैं। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यूज, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, बोन, टेंडन्स। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी नर्म जगहों पर और सॉफ्ट टिश्यूज़ कहलाते हैं। फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, गिव्स शेप्स टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को शेप में और होल्ड करने में, यानी एक जगह रखने में मदद करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। एपिथेलियल टिश्यू को आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन भी कहा जाता है। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लाइन होती है, ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स हमारे स्किन की सतह पर, यानी हमारे स्किन की सरफेस पर मौजूद होते हैं। इसी तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ का भी एक फंक्शन है, वो है कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको हम सिंपल में कहेंगे कि ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के पार्ट्स को कवर करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स, आज़ा। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी। तो हम कैसे ऑर्गन को डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। इसी तरह द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो जब ही परफॉर्म करती है जब हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। नंबर वन हार्ट, नंबर टू ब्रेन, नंबर थ्री किडनीज, नंबर फोर स्टमक। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। एक हमारा फर्स्ट ऑर्गन है हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। हार्ट एक ऑर्गन है मेड ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज से बना है, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन। ये एक बहुत पावरफुल ऑर्गन है एंड वर्क कंस्टेंटली। ये मुस्तकिल काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।